आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मैं दीपा जोशी सुखी ढंग से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपा जोशी पहाड़ी चली में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह कितने बजे से हो गया, 8:30 बजे से, क्योंकि टाइम का भी पता नहीं चलता है। और मैंने नहाना धोना भी कर लिया है, पहले कर लिया था। मम्मी चली गई हैं मायके और आज उनके यहाँ जागरण है, तो मम्मी चली गई हैं। देवी देवता के टाइम में तो ज़रूरी जाना होता है, तो मम्मी जी भी चले गई हैं। और अब मेरा काम है बाहर का भी अंदर का भी, और हमारा थोड़ा घर का भी काम चल रहा है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और अभी मैं दिखाती हूँ, जब बच्चे होते हैं तो हमारे पहाड़ी मतलब रीति रिवाज में तो मामा की ओर से झूला आता है, तो मेरे हर्षित के टाइम में पापा ने झूला दिया था और मैंने आज निकाला है। दिखाती हूँ मैं आपको, कैसा लगा ज़रूर बताना। पापा जी लाए थे, ये पालना बनाया था पापा ने उस टाइम, ये इस टाइप से। अब मैंने निकाल दिया है क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दे रही है। और तो थोड़े टाइम यहाँ पर खेलेगी, खिलौने हलेने डालूंगी, तो फटाफट मैं इसमें बिछा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। मैंने इसमें बिछा दिया है और इसको यहाँ पर डाल दिया, बहुत चालाक है। अब इसको चलाओ कह रही है, क्योंकि ये चलाने वाला भी है ना, तो इसको अब चलाओ कर रही है। बिट्टू क्या अब ऐसा ही कर कह रही है। घर का साफ सफाई सारा काम होने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम तोड़ रहे हैं अपना पुराना वाला मकान, तो उसमें से सामान बाहर रख रहे हैं, इधर उधर सेट कर रहे हैं। तो पुराना पुश्तैनी मकान था हमारा, तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। और थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि थोड़ा कच्चा पड़ गया ना वो मकान, इसलिए तोड़ना पड़ रहा है। अब नया बना लिया है तो इसलिए पुराना तो तोड़ना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत बनाएंगे भी अभी, और आपको दिखाती हूँ मैं। बेटी को तो यहाँ सुला दिया है, पूरा ढक रखा है क्योंकि ये सूख भी जाएंगे कपड़े। और ये मकान है हमारा पुराना वाला, ये इसको तोड़ रहे हैं, तो पापा लगे हैं सब सामान अंदर बाहर करने में इधर उधर। ये थोड़ा सामान तो यहाँ रख दिया है, थोड़ा हस्बैंड जी भी लगे हैं। आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो रंगीली की बोतल, ये अब मैं बताऊँ आपको किस काम आएंगे। ये है अलमारी, ये भी अंदर थी अलमारी, तो इसके अंदर रख देंगे। ये शहद भरने के काम आते हैं, तो पापा ने साफ सफाई करके लालू के रख रखे हैं यहाँ पर धो धा के। तो और ये हमारा पुराना बक्सा था यहाँ पर, ये पहले का, तो इसमें हमने कट्टे भर दिए। ये हस्बैंड जी लगे हैं थोड़ा सामान इधर उधर पहुंचाने में। ये पीछे साइड से कुछ इस टाइप से है ये, तो ये अंदर बाहर सामान रख रहे थे, तो यहाँ पर ये पुरानी मशीन है हमारी, और ये ऊपर भाड़ है हमारा। ये एक अलमारी यहाँ पर भी रखी है, यहाँ पर ये दो कमरे हैं, ऊपर दो कमरे नीचे हैं। अब ये सब तोड़ना हो रहा है क्योंकि बहुत पुराना भी हो गया है। अरे पापा ये तो यहाँ पर इसमें मौन बक्स है, अंदर ही बनाते थे पहले, तो ये लिपाई कर रखे, लेकिन हार आगे आजकल है तो नहीं, सब मर गई थी पहले बीच में। तो ये यहाँ से है लगे हैं, सारे कपड़े इसी में के थे। ये राया था, ये भी ऊपर था, हमें ध्यान नहीं था, लेकिन अभी देखा धूप में डाल दिया, सूख जाएगा फिर। ये है हमारी पुरानी मशीन, सिलाई मशीन, तो पापा कह रहे हैं मेरी सासू जी ने दी थी बोले, यानी हमारी नानी जी ने। आज तो घर ही का काम चल रहा है, और मैं आपको बता दूं आजकल कुछ भी चीज़ फिजूली नहीं जा रही है, मतलब पायल है टूटी पायल, या फिर जैसे हम बाल हाल बनाते हैं तो उसमें बाल हाल निकलते हैं, तो उसमें भी बर्तन मिल रहे हैं, घर ही में आ रहे हैं। तो ये पायलों में मैंने भी ले रखे हैं दो बर्तन, अभी एक छोटा सा ये ले रखा है, इसमें किसी टाइम चाहिए होता है हल्का, और ये एक टिपन ले रखा है मैंने। आजकल तो कुछ कहना ही नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो नहीं हो रही है। अभी आए थे भैया नीचे, खटी माँ से आते हैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। शाम हो गई है, अभी घास भी नहीं काटा है, आज तो घास भी काटना है। ये देखो ये, और हस्बैंड जी वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसको घुमा लेती हूँ और उसके बाद चलती हूँ घास काटने। बोल
घास काटने, अभी घास काटना है ना, अब इतना ही डाला ना पानी। देखो तो रात हो गई है, घास किस टाइम काटूंगी। तो गाइस फाइनली अब भी मेरे को मिला टाइम, क्योंकि सब तीन ही थे हम, पापा और मैं। पापा नीचे आए हैं पाली हाउस में पानी डाल रहे हैं, और हस्बैंड जी ऊपर डाले थे पानी खेत में। तो घर का काम भी बहुत ही ज़्यादा था, और आजकल तो एकदम से रात हो जाती है। अभी 5:00 कितने मिनट हो रहे हैं आपको मैं बताऊँ, 5:11 हो रहे हैं। तो लगा लो कि अंधेरा होने लग गया है। अब मैं फटाफट नज़दीक से ही, ये है पेड़ का, ये देखो ये पेड़ इसमें यहीं पर है, फटाफट इसमें से घास काटती हूँ, और पापा की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखती हूँ पापा करते हैं कि नहीं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको पापा क्या कर रहे हैं करके। उसके बाद आंसी ले आती हूँ जल्दी से ना, नीचे छाने में रखते हैं दराती, तो वहाँ से दराती ले आती हूँ, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे जाना है इस वाले पेड़ में, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं भीमल, भीमल का पेड़ है। और देखो ये इस टाइप से दिख रहा है हमारा गाँव। पापा गए हैं नीचे, वहाँ केले के पौधे हैं तो नीचे दिख नहीं रहे हैं पापा, वहाँ पर पाली हाउस है, पानी डाल रहे हैं, तो अभी आएंगे। मैं पहुंच गया हूँ पेड़ में, और पापा वहाँ पर दिखाऊं पॉली नीचे वाले पाले हाउस में पानी डाल रहे हैं। तो पापा से कहा, मैंने कहा पापा थोड़ी हेल्प कर दोगे, इसको इकट्ठा कर दोगे, तो पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं बल मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले पाले हाउस में भी पानी डालना है, और तो आराम से काटा भी टाइम है करके। तो मैं अब यहीं पर इकट्ठा करती हूँ, मतलब हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं यहीं अठ्यून, तो मैं इसी में अठा अठू के फटाफट नीचे डालती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ करके। जी इस टाइप से बनाते हैं, ये अठाना इसको बोलते हैं, इस टाइप से बनाते हैं ये। अब इसको नीचे फेंक देते हैं, ये 5:30 हो गया है, ये इतना काट दिया, उतना सुबह के लिए हो गया है, और अंधेरा होने लग गया है। पापा पॉली हाउस में पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले में हरी सब्जी हो रही है। पापा यहाँ कद बड़ी राय है ना, अच्छा है ना, हैरो राय पापा डाल रहे हैं। ये सभी आए हैं तेज पत्ता उठा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें अगर ओस पड़ जाएगी तो ये काला हो जाता है, तो यहाँ पर हस्बैंड जी उठा रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हैं। क्या कर रहा है बेटा तू? अभी तो दौड़ने गया था। कहाँ? अब तक मोड़ में। हाँ देखो झाड़ क्या देख सकते हैं, इसको कैसी धुन पड़ी है ये पेंट करने का। ये मैंने करा है। ये तूने किया है? हाँ। इस कलर से पूरा। अच्छा ये कितना प्यारा कर रखा है इसने, ये भी इसी ने किया है, लेकिन ये वो सा वाला है, ये कलर कौन सा वाला है बेटा? पेंसिल वाला कलर है ना, पेंसिल। हाँ तो क्या क्या बना रखा भूत जैसा इसको, गाड़ी को मुझे अच्छा नहीं लगती गाड़ी है। मैंने कौन सा ये और ये भी मैंने झोस हो गई है शाम। अब मैं करती हूँ घर का काम, यानी खाना पीना बनाती हूँ, और बच्चों को भी देखती हूँ। ये एक का पेंट का काम चल रहा है, कलर कलर कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। बुआ आए हैं थोड़ी देर, मैं ले जाता हूँ। जा जा ले जा, वो पच्छा पुजा लिया, गुस्सा भी आ रहा है, फोन चला दिया करके, बच्चों को नहीं देख रही है बस। देखो अभी भी बोलने में ही है, बाहर जा रहे थे गुब्बू हमारे। चलो कोई नहीं होता है, क्योंकि अब बच्चों को नहीं देखेंगे, फोन चलाएंगे तो किसी को भी गुस्सा ही आएगा, तो बुबू को भी आ रहा है। फिर वो वाली हिट 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 उठ कर ले जाना बल। मैंने कहा अच्छा हो गया, मैं फटाफट काम नहीं कर लेती हूँ। लेकिन गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, फॉलो करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।